नमस्कार, मैं सौरभ जोरवाल, जिला पदाधिकारी औरंगाबाद। आप सभी जान रहे हैं कि इस समय हम लोग बहुत ही मेहनत के साथ एक महामारी से लड़ रहे हैं। COVID-19 वायरस से होने वाली यह महामारी इस समय पूरे विश्व में फैल चुकी है और बाकी देशों में इसकी स्थिति काफ़ी भयावह है। हम लोगों ने समय रहते बहुत अच्छे कदम उठाए हैं, जिसके अंदर हमने बहुत अच्छे तरीके से लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया है। बाहर से आने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनको क्वारंटाइन में रखा है और दूसरे राज्यों से आने वाले जो व्यक्ति हैं उसको भी हम लोग बाकी लोगों से अलग अपने क्वारंटाइन कैंप में रखा है। इस समय आप सभी जान रहे हैं कि बिहार के अंदर इसकी स्थिति बहुत ही कंट्रोल में है, बहुत ही नियंत्रण में है और हम लोग आश्वस्त हो सकते हैं कि अगले 10 दिन और अगर हम लोग इस लॉकडाउन को मेंटेन करेंगे, इस जागरूकता को मेंटेन करेंगे तो हम इस महामारी से पार पाएंगे। वर्तमान समय में जो विदेश से आने वाले लोग थे वो 22 मार्च तक आए थे, उनके 14 दिन अगले 2 से 3 दिन में पूरे हो जाएंगे, तो हम लोग मान सकते हैं कि वो लोग अभी इससे संक्रमित नहीं है। और जो लोग दूसरे राज्यों से आए थे वो भी अगर 10 से 12 दिन हम उनको मॉनिटर कर लेंगे तो हम लोग ये चिन्हित कर पाएंगे कि उनमें कौन व्यक्ति संक्रमित है और कौन व्यक्ति संक्रमित नहीं है। यदि व्यक्ति संक्रमित है तो चूंकि हमने उनको क्वारंटाइन में रखा हुआ है तो बाकी लोगों को संक्रमण फैला नहीं पाएंगे और हम बड़े आसानी से इस बीमारी को से विजय पा लेंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध केवल यही हुआ कि जिस तरह आपने जो धैर्य का परिचय दिया है पिछले 10 दिनों में, अगले 10 दिनों में भी उसी धैर्य का परिचय दें। बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन इस बड़ी महामारी से हम लोग एकदम आसानी से विजय पा लेंगे और जो स्थिति दूसरे देशों में हुई है हमारे यहाँ पे वो नहीं होगी। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग पूरी तरह जागरूक हैं और समझदार हैं और इस लड़ाई से लड़ने में प्रशासन का सहयोग प्रदान करेंगे और अगले कुछ दिनों के लिए इस लॉकडाउन को अच्छे से मेंटेन करेंगे। धन्यवाद।